वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स. टूडे वी विल सी चैप्टर 3.6 द मर्चेंट ऑफ वेनिस स्टैंडर्ड 6 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड. सो स्टूडेंट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वी विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. एंटोनियो वॉज अ मर्चेंट हु लिव्ड इन वेनिस अ प्रॉस्परस सिटी इन इटली. एंटोनियो नाम का एक मर्चेंट था, मतलब व्यापारी था. मर्चेंट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो बड़े प्रमाण में चीज़ों को बेचता खरीदता है और अलग अलग कंट्रीज़ में भी बेचता है. ठीक है, बड़ा मर्चेंट, बड़ा व्यापारी. तो ये वेनिस में रहते थे. ये इटली की एक प्रॉस्परस सिटी है, काफ़ी प्रॉस्परस मीन्स वेल्दी सिटी है. एंड इन दोज डेज दैट इज़ अबाउट 500 ईयर्स एगो सी वॉयजेस वेयर डेंजरस. उन दिनों की बात है जिस समय पे समुद्री यात्रा बड़ी खतरनाक हुआ करती थी. 500 साल पहले की ये बात है. एंड येट सम एडवेंचरस मर्चेंट ट्रैवल अक्रॉस द सी. फिर भी जो है एडवेंचरस मर्चेंट जो बहुत कठिनाई में जाकर भी बिजनेस करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, डेंजरस टास्क को पूरा करना चाहते हैं, मतलब एडवेंचरस मर्चेंट जो है वो सी को पार कर जाते थे. सम अदर्स स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन सेंडिंग शिप्स टू फार अवे कंट्री. कुछ और भी ऐसे थे ट्रेडर्स या मर्चेंट जो कि इस शिप को दूसरी कंट्रीज में भेजने के लिए काफ़ी पैसा खर्चा कर देते थे या करना पड़ता था. दीज शिप ब्रॉट बैक स्पाइसेस एंड अदर ट्रेजर्स फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज. ये जो शिप है ये क्या करती थी, दूसरी कंट्रीज़ में जाती थी और वहाँ से स्पाइसेस मीन्स मसाले और खजाना जो है इंडिया से या फिर कोई भी और कंट्रीज से वापस ले आती थी. ठीक है, इन ट्रेडर्स के लिए वो शिप भेजते क्यों थे, ताकि वो इंडिया से या दूसरी कंट्रीज से क्या लेकर आए, स्पाइसेस या फिर ट्रेजर मीन्स खजाना लेकर आए. द मर्चेंट सोल्ड दीज थिंग्स इन यूरोप. ये जो मर्चेंट थे, ये जो व्यापारी थे, यूरोप में क्या करते थे, इन सारी वस्तुओं को बेचा करते थे. द मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन दिस बिजनेस. बहुत प्रॉफिट कमाया करते थे इस बिजनेस से. एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगिंस एंटोनियो वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप टू रिटर्न विथ मर्चेंटाइज. एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगिंस, जब स्टोरी शुरू होती है, इस स्टोरी की शुरुआत में एंटोनियो जो है वो वेट कर रहा था उसकी शिप के लिए जो कि बहुत सारे सामानों के साथ वापस आने वाली थी. मर्चेंटाइज मीन्स सामान. ठीक है, गुड्स. ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप. उसने उस शिप को सामान लाने के लिए, मतलब वो जो गुड्स वो बेचता था उन्हें लाने के लिए उसने ऑलमोस्ट सारे पैसे खर्चा कर दिए थे. एंटोनियो वॉज अ काइंड मैन, ही हैड मैनी फ्रेंड्स. एंटोनियो एक बहुत दयालु इंसान था और उसे काफ़ी सारे दोस्त हुआ करते थे. बट हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज बेसानियो. इसका बेस्ट फ्रेंड कौन था, बेसानियो. बेसानियो वॉज अ यंग एंड हैंडसम नोबल मैन, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी. बेसानियो के पास, ये काफ़ी यंग था, हैंडसम था, स्मार्ट था एकदम और काफ़ी अच्छा नोबल मैन था, बट बड़ी बदकिस्मती से इसके पास पैसे नहीं थे. ठीक है, गरीब हुआ करता था. बेसानियो वॉन्टेड टू मैरी पोर्शिया. बेसानियो को पोर्शिया के साथ शादी करनी थी. वो चाहता था कि पोर्शिया के साथ उसकी शादी हो. पोर्शिया वॉज ब्यूटिफुल एंड इंटेलिजेंट. बहुत खूबसूरत और बहुत होशियार लेडी थी ये. शी वॉज द ओनली डॉटर of a wealthy man his father had dead leaving her large estate. ये जो Portia थी ये काफ़ी wealthy, मतलब पैसे वाले इंसान की बेटी थी. and उसके father जो थे dead हो गए थे, मर गए थे. and बहुत सारा पैसा, बहुत सारी estate Portia के नाम उन्होंने रखी हुई थी. ठीक है, वो तो मर चुके थे पर Portia के पास काफ़ी सारा पैसा छोड़ गए थे. In his will, Portia's father had written how Portia's husband should be selected. उनकी will क्या होता है, मरने के पहले जो है इंसान अपनी अपनी जो जायदाद है उसे किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे उसे बांटना है, कितने बच्चे को, कौन से बच्चे को कितना देना है, ये सब लिखा हुआ होता है, तो उसे will कहते हैं. पर इस will में कुछ अपनी इच्छा हो, लास्ट इच्छा हो, तो वो भी लिखी हुई होती है. तो इन्होंने will लिख कर रखी थी और उसमें लिखा हुआ था कि वो Portia के लिए हस्बैंड जो है कैसे चुनेंगे, कैसे उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसका उन्होंने वर्णन उसमें करके रखा था. ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हिज सूटर
एक टेस्ट उन्होंने लिखी थी उस विल में, द हैड टू चूज बिटवीन थ्री कास्केट। अब उस टेस्ट में क्या लिखा था कि जो भी पोर्शिया के साथ शादी करने आएगा उसे इन तीन कास्केट, कास्केट मतलब ये जो बॉक्स दिए हुए हैं इन बॉक्स का को कास्केट कहते हैं, ठीक है, लकड़ी के बॉक्स मतलब कास्केट। तो जो भी पोर्शिया से शादी करने आएगा उसे तीन, एक शर्त रखी थी उस अनुसार तीन कास्केट में से किसी एक कास्केट को चुनना था, वन ऑफ गोल्ड, वन ऑफ सिल्वर एंड वन ऑफ लीड। एक जो थी वो गोल्ड से बनी हुई थी, एक जो थी वो सिल्वर से बनी हुई थी और एक जो थी वो लीड नाम का मटेरियल होता है, एक मेटल होता है, इससे बनी हुई थी। ईच कास्केट हैड समथिंग रिटन ऑन इट, उस कास्केट पर कुछ लिखा हुआ था। वन ऑफ द गोल्ड कास्केट इट वॉज रिटन, whoever chooses me shall gain what many men desires। गोल्ड कास्केट पे लिखा हुआ था कि जो भी कोई मुझे चुनेगा उसे वो सारी चीजें प्राप्त करनी होगी जो कि बाकी लोगों की इच्छाएं होती है, डिजायर मीन्स इच्छा। बहुत लोग चाहते हैं मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, तो जो बाकी लोग चाहते हैं वो सारी चीज़ें उसे प्राप्त करना होगा। किसके ऊपर लिखा हुआ था, जो गोल्ड कास्केट थी उसके ऊपर लिखा हुआ था। सिल्वर कास्केट पर क्या लिखा हुआ था, whoever chooses me shall get as much as he deserves। जो भी मुझे चूज करेगा, मतलब सिल्वर कास्केट को जो भी चूज करेगा, शॉल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स, उसे क्या मिलेगा, जितना वो डिजर्व करता है वो उतनी चीजें उसे मिलेगी। ऑन द कास्केट ऑफ लीड, लीड के कास्केट पर क्या लिखा हुआ था, हूएवर चूजेस मी, मुझे जो चूज करेगा, मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैज। मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैज का मीनिंग क्या है, तो वो सारी उसके पास जो भी चीजें है वो सारी चीजें वो दे देगा, और हजार्ड्स का मतलब यहाँ पर होता है रिस्क, ठीक है। तो उसके पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें वो दाव पर लगा देगा, ठीक है। तीन कास्केट है, एक गोल्ड की है, एक सिल्वर की है और एक लीड की है। गोल्ड पर लिखा हुआ है कि शॉल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर, वो सारी चीज़ें प्राप्त करेगा जो बाकी लोगों की इच्छाएँ भी होती है उसे वो सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। और ऑन द सिल्वर कास्केट पे लिखा हुआ था वो जितना डिजर्व करता है, मतलब उसकी जितनी क्षमता है उतना ही वो उसे मिलेगा। और तीसरे कास्केट पे लिखा हुआ था कि आपके पास जो कुछ है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, और या फिर रिस्क में रखना होगा। वन ऑफ द पोर्शिया सूटर वॉज द प्रिंस ऑफ मोरक्को, एक जो था जो पोर्शिया के लिए उसका हाथ मांगने आया था वो मोरक्को नाम की प्लेस का जो राजा था, प्रिंस था, उसने गोल्ड कास्केट चुना। बट व्हेन ही ओपन्ड द कास्केट, जब उसने उस कास्केट को ओपन किया तो उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था कि इट वॉज नॉट द राइट कास्केट, ये क्या है, राइट कास्केट नहीं थी। और एक लिखा हुआ था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो सारी चीज़ें चमकती है वो सोना नहीं होती। मतलब अब ये गोल्ड का कास्केट इसने चुना तो ये उस पोर्शिया के साथ शादी कर सकता था क्या, नहीं, ठीक है। फिर है अनादर सूटर द प्रिंस ऑफ अरागोन चूज द सिल्वर कास्केट, एक और थे जो कि अरागोन के प्रिंस थे, राजा थे, और वो भी पोर्शिया का हाथ मांगने आए थे। इन्होंने सिल्वर का कास्केट चुना बट दैट टू वॉज नॉट द राइट कास्केट, और ये जो सिल्वर की कास्केट थी ये भी सही नहीं थी, ठीक है। बेसानियों को ये बात का पता चला कि पोर्शिया के लिए सूटर्स आ रहे हैं तो वो भी चाहता था कि अपना लक आजमाए ताकि वो पोर्शिया के साथ शादी कर सके। तो टू डू दैट ही हैड टू ट्रैवल टू बेलमोंट वेयर पोर्शिया लिव्ड ऑन हर इस्टेट, तो इसके लिए उसे बेलमोंट पहुंचना था। बेलमोंट क्या है, एक प्लेस है जहां पर पोर्शिया अपने इस्टेट के साथ रहती थी, मतलब अपनी जायदाद में वो रहती थी, ठीक है। ही नीडेड मनी फॉर दैट, उसके लिए मतलब जैसे बेलमोंट अगर जाना था तो बेसानियों के पास तो पैसे थे नहीं, एक काफ़ी हैंडसम था, यंग था, लेकिन पैसों के मामले में वो काफ़ी गरीब था, तो वो बेलमोंट जाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। व्हेन एंटोनियो कम टू नो दिस ही वांटेड टू हेल्प, जब एंटोनियो को ये बात पता चली तो उसने सोचा कि मैं बेसानियो की मदद करूँगा। ही टोल्ड बेसानियो टू बोरो मनी इन हिज नेम, उसने बेसानियो से कहा कि वो अपने नाम पर पैसे
लेगा, मतलब उधार लेगा, किसी से पैसे उधार लाएगा। कौन लाएगा? एंटोनियो लाएगा। किसके लिए लाएगा? बैसानियो के लिए लाएगा। क्यों लाएगा? बेलमोंट जाना था बैसानियो को, क्योंकि वो भी अपना लक आजमाना चाहता था उस कास्केट के साथ। और लक क्यों आजमाना चाहता था? क्योंकि वो पोर्शिया के साथ शादी करना चाहता था। ठीक है, दे वेंट टू शाइलॉक। एक शाइलॉक नाम का एक इंसान है, जेविश मनी लेंडर है, जो कि पैसे उधारी देने का काम करता है। और ये जो है वो दोनों भी, कौन? बैसानियो एंड एंटोनियो, ये दोनों भी किसके पास जाते हैं? जेविश, सॉरी शाइलॉक के पास जाते हैं, जो कि जेविश मनी लेंडर है। एंड आस्क हिम फॉर द मनी, और इसके लिए पैसों की डिमांड करते हैं। शाइलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी, ये इसके पास काफ़ी पैसा है, बट ही वॉज नॉट एट ऑल जनरस, पर ये जनरस नहीं है, दयालु नहीं है, काइंड नहीं है। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो कुछ है सब पैसा है। ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो, वो एंटोनियो को पसंद भी नहीं करता, क्योंकि एंटोनियो समटाइम्स लेंड पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर इट। क्योंकि एंटोनियो क्या करता है, बहुत बार तो लोगों के लिए पैसे उधार लेता है और उसको बिना इंटरेस्ट से पे करता है। आपको पता है जब बैंक भी हमें पैसे देती है तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, तो उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अगर 5000 हम लाते हैं बैंक से तो कुछ इंटरेस्ट पर परसेंटेज ऑफ होता है इंटरेस्ट, तो उतने परसेंट के हिसाब से अगर 500 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं तो हमें 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होते हैं। 5000 तो हमने बैंक से लिए हुए होते, वो देना भी है और उसके साथ एक्स्ट्रा मनी देना है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। तो एंटोनियो क्या करता है, बहुत बार लोगों के लिए पैसे तो ले जाता है बट इंटरेस्ट नहीं देता। इसीलिए क्या होता है कि ये शाइलॉक जो है एंटोनियो को पसंद नहीं करता। सो शाइलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ हिज सिचुएशन। तो शाइलॉक क्या करता है, एक उसकी मजा लेना चाहता है, किसकी? एंटोनियो की। वो इसके सिचुएशन की, इसकी जो अभी कंडीशन है, जिस सिचुएशन से ये गुजर रहा है, उसकी वो फ़ायदा लेना चाहता है। ही गेव देन द मनी ऑन द स्ट्रेंज कंडीशन, वो उन्हें पैसे तो देता है पर एक कंडीशन रखता है, स्ट्रेंज कंडीशन, एकदम अलग ही कंडीशन रखता है। इफ़ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months, अगर 3 महीने के अंदर एंटोनियो ने पैसे नहीं वापस किए तो शाइलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लेश, एंटोनियो के चमड़ी का वो एक पाउंड जो मास है, पाउंड मतलब जैसे ग्राम होता है ना, केजी ग्राम हम कहते हैं, वैसे पाउंड भी एक मेजरमेंट है, तो 1 pound ऑफ एंटोनियो का फ्लेश वो कट कर लेगा उसकी बॉडी में से। एंटोनियो इज एग्रीड टू दिस, एंटोनियो भी क्या हो जाता है, मान जाता है, एंड बोरोड द मनी फॉर बैसानियो, और बैसानियो के लिए पैसे ले आता है। बैसानियो वेंट टू बेलमोंट, अब बैसानियो क्या करता है, पैसे ले लेता है और बेलमोंट निकल जाता है। व्हेन ही सॉ द कास्केट, जब वो कास्केट देखता है तो वो लीड की कास्केट को चुनता है, दैट वॉज द राइट कास्केट, जो कि एक मतलब उनके पापा ने अपनी इच्छा के अनुसार लीड कास्केट को चुनने वाले को ही उसका पति घोषित करेंगे, ऐसा एक आइडिया कंसेप्ट रखा हुआ था, तो उस अनुसार वो लीड की ही कास्केट को चुनते हैं और बैसानियो जो है पोर्शिया का हाथ मांग लेता है। पोर्शिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बैसानियो, और पोर्शिया भी बैसानियो को चाहती है, इसीलिए वो भी उसके साथ शादी करने के लिए खुश होती है। इन द मीन वाइल, उतने में क्या होता है, शाइलॉक हर्ड दैट एंटोनियोज हैड लॉस्ट हिज शिप, शाइलॉक को एक बात की खबर चलती है कि एंटोनियो की शिप जो है वो गुम हो गई है। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी, अब शाइलॉक बहुत खुश होता है। क्यों खुश होता है? क्योंकि अब एंटोनियो की शिप चली गई है, दैट मीन्स एंटोनियो के पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो वो शाइलॉक के पैसे चुकाएगा नहीं। इसमें खुशी की क्या बात है? खुशी की बात यह है कि अब उसने जो शर्त रखी थी कि वो उसकी चमड़ी का 1 pound चमड़ी उसकी लेगा काट कर उसके बॉडी पार्ट में से, तो वो अब उसे करने के लिए मिलेगा, इसीलिए वो खुश हो जाता है। ही टुक एंटोनियो टू कोर्ट, एंटोनियो को वो कोर्ट ले जाता है, एंड डिमांडेड दैट ही फुलफिल्ड द स्ट्रेंज एंड क्रूयल कंडीशन, और कोर्ट में जाकर ये बात कहता है कि मैंने जो कंडीशन रखी थी उसे अब फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए। कौन कहता है ये कौन कह रहा है? ये शाइलॉक कह रहा है। किसे कह रहा है? कोर्ट में कह रहा है। किसके लिए कह रहा है? तो वो एंटोनियो के लिए कह रहा है, क्योंकि एंटोनियो के लिए उसने एक स्ट्रेंज और क्रूयल कंडीशन रखी थी, उसे अब पूरा कर दिया जाए, ऐसी वो डिमांड कोर्ट से कहता है। द ड्यूक लाइक्ड एंटोनियो एंड वॉज सॉरी फॉर हिम, ड्यूक जो है वहाँ के जो राजा कहेंगे, तो ये जो है एंटोनियो को काफ़ी लाइक करते हैं और बहुत उसके लिए सॉरी फील करते हैं। बट व्हाट कुड ही डू, पर वो कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं उसके लिए? तो एंटोनियो हैड रिटन अ बॉन्ड टू शाइलॉक
एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ शाइलॉक वॉज राइट. एंटोनियो ने एक बॉन्ड लिखा था शाइलॉक को के लिए, मतलब उस बॉन्ड पे साइन की थी और उस अनुसार शाइलॉक जो थे वो करेक्ट थे. शाइलॉक जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड कैसी थी, करेक्ट थी. When Bassanio and Portia heard all this, they rushed back to Venice. जैसे ही Bassanio और Portia ने इस बात को सुना तो वो Venice पहुँच गए. वो किसकी मदद करने पहुँचे, Antonio की मदद करने पहुँचे. Portia told Bassanio to pay Shylock twice the amount to save Antonio. Portia ने Bassanio को कहा कि Shylock को जितनी भी कीमत Antonio ने ली होगी, जितने भी पैसे लिए होंगे उससे डबल पे कर दो ताकि वो शांत बैठे और एंटोनियो से हो जाए. पर शाइलॉक जो है ये एडमेंट है, अनविलिंग टू चेंज एन ऑप्शन और डिसीजन. वो अपनी इच्छा को चेंज नहीं करने वाले में से है. इसे क्या कहेंगे हम, एडमेंट कहेंगे. ठीक है, तो ये लिखा हुआ था, ही डिमांडेड ओनली अ पाउंड ऑफ एंटोनियोस फ्लेश. उसने केवल डिमांड किस चीज की है कि वो एंटोनियोस के फ्लेश का एक पाउंड हिस्सा लेकर ही रहेगा. Everyone in the court, including the Duke, felt that Shylock's demand was inhuman. सभी कोर्ट में बैठे हुए जितने भी लोग थे, राजा थे, सभी को ये लग रहा था कि ये जो है डिमांड, जो शाइलॉक डिमांड कर रहा है, उसकी चमड़ी का हिस्सा मांग रहा है, तो ये एक इनह्यूमन है, एक अच्छी बात नहीं है, तो इंसानियत वाली बात नहीं है. द ड्यूक आस्क्ड शाइलॉक टू शो मर्सी टूवर्ड्स एंटोनियो, बट शाइलॉक वॉज नॉट रेडी टू डू सो. उन्होंने, ड्यूक ने कहा कि उसके ऊपर दया दिखा दीजिए एंटोनियो के ऊपर, पर शाइलॉक रेडी ही नहीं हो रहा था. ही फेल्ट दैट एंटोनियो एंड अदर्स हैड ट्रीटेड हिम बैडली बिफोर. ये शाइलॉक जो है वो इस बात को मतलब फील करता था कि एंटोनियो और कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने उस शाइलॉक के साथ पहले काफ़ी बुरा किया है और अब वो उसका बदला लेना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसी डिमांड रखी हुई है. ठीक है, जस्ट देन अ यंग लॉयर एंटर्ड द कोर्ट. उतने में ही एक यंग लॉयर कोर्ट में आते हैं. ही सेड दैट ही वुड फाइट एंटोनियोस केस. उन्होंने कहा कि मैं इस केस में मैं एंटोनियो के साइड से इस केस को मैं लड़ूंगा. ही आस्क्ड एंटोनियो वेदर ही हैड एग्रीड टू शाइलॉक्स कंडीशन. एंटोनियो को पूछा गया कि क्या आप शाइलॉक की कंडीशन से एग्री है, राजी है, तो एंटोनियो ने कहा हाँ मैं राजी हूँ. वो राजी थे, ऐसा ये केवल पास्ट टेंस में है, पर मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने आपको प्रेजेंट टेंस में पढ़ाया. स्टूडेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर पूरा पास्ट टेंस में है. ठीक है, तो वो राजी थे. देन द यंग लॉयर रिक्वेस्टेड शाइलॉक टू शो मर्सी दो द लॉ वॉज ऑन शाइलॉक साइड. पूरा जो कानून था शाइलॉक के साइड में था. कोई भी चीज़ कानून के हिसाब से चलती है, तो कानून जो था वो शाइलॉक के साइड में था क्योंकि उन्होंने पूरे बॉन्ड पे साइन ली थी. लेकिन फिर भी वो चाहती थी, सॉरी चाहते थे कौन, जो नए जो जज सॉरी नए जो लॉयर आए थे वो चाहते थे कि उनके इनके ऊपर दया दिखाई जाए. और वो उन्होंने कोशिश की शाइलॉक से बात की कि इनके ऊपर दया दिखाए. बट लॉयर प्लीडेड दैट मर्सी इज क्वालिटी ऑफ गुड गॉड हिमसेल्फ. इन्होंने बताया कि किसी के ऊपर दया दिखाना ये गॉड की क्वालिटी होती है और आप दया कीजिए, है ना. पर्सन शोज अ मर्सी टू समवन एल्स दे आर बोथ ब्लेस्ड. जब हम किसी पर दया दिखाते हैं तो दोनों भी लोग, जो दया दिखाने वाला होता है उस वो भी ब्लेस्ड हो जाता है और जिस पर दया की जाती है उसके ऊपर भी वो ब्लेसिंग्स आती है. मर्सी वॉज मोर वैल्यूएबल देन अ किंग्स क्राउन. राजा के ताज के मुकुट के से भी जो दया है ये काफ़ी वैल्यूएबल होती है. मतलब राजा का ताज भी इतना वैल्यूएबल नहीं होता जितनी किसी पर की गई दया होती है. बट ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन द शाइलॉक. पर ये सारी बातों का शाइलॉक पे कोई भी असर नहीं हुआ. द यंग लॉयर देन सेड दैट द लॉ अलोड शाइलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप मान ही नहीं रहे तो हम इसका जो एंटोनियो है उसके बॉडी का जो है आपको फ्लैश दे देंगे. एट द सेम टाइम द लॉयर वॉन्टेड वन that while cutting off the flesh, Shylock should not shed even one drop of Antonio's blood. उसने कंडीशन रखी, किसने, लॉयर ने. लॉयर बहुत होशियार थे और उन्होंने कंडीशन रखी कि आप एंटोनियो का इतना सा भी एक भी ड्रॉप का खून नीचे नहीं गिरने देंगे. Also, he should cut exactly one pound of flesh, nothing less, nothing more. और इन्होंने एक और शर्त रखी कि ठीक है, आपकी बात हमको मंजूर है, आप चाहते हैं कि उसकी बॉडी पार्ट का फ्लैश निकालना चाहते हैं, तो आपने 1 pound का क्लियर किया था तो आपको 1 pound ही निकालना होगा. आप 1 pound से एक भी ज़्यादा और एक भी ग्राम में उसके वजन में कम
कम का फ्लैश नहीं निकालेंगे। दो कंडीशन रखी कि ब्लड नहीं गिनना चाहिए और 1 का 1 pound ही निकालना चाहिए। क्या पॉसिबल है? हम बिना गिने कैसे निकालेंगे? पहले तो कट होगा, उसके बाद ही हम गिनेंगे कि 1 pound निकला कि नहीं निकला। ठीक है, दैट वुड नॉट बी अलोड बाय द लॉ, क्योंकि वह 1 pound, आपने तो 1 pound की शर्त रखी थी, तो 1 pound से ज़्यादा भी नहीं लेंगे और कम भी नहीं लेंगे, ये कानून के में अलो नहीं होगा। ठीक है, शाइलॉक को ये बात ध्यान में आ गई, रियलाइज हो गई कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता, जो कि यंग लॉयर ने कहा कि ब्लड नहीं गिरना चाहिए ये भी नहीं हो सकता, और एग्जैक्ट 1 pound ऑफ फ्लैश निकालना भी पॉसिबल नहीं था, और उसने अपनी हार मान ली। एंटोनियोज लाइफ वॉज सेव्ड, और इस तरीके से एंटोनियो की लाइफ बच गई। अगर वो चमड़ी काटते तो हो सकता था उसकी लाइफ भी चली जाए, जान चली जाए, तो वो बच गया। हु वॉज अ यंग लॉयर, वो यंग लॉयर जो था ये इतना बुद्धिमान था, वो कौन था इसके बारे में जानना है ज़रूरी है। तो देखो, ये फीमेल जैसा चेहरा दिख रहा है, बेसानियो एंड एंटोनियो फाउंड दैट लेटर दैट इट वॉज नन अदर दैन पोर्शिया इटसेल्फ। वो कौन थी? पोर्शिया थी। किसकी भी किसकी वाइफ थी वो? बेसानियो की, ड्रेस्ड एज अ यंग मैन, जिसने यंग मैन का ड्रेस पहना हुआ था। लेटर इट वॉज लर्न दैट एंटोनियो शिप वर सेफ। इसके बाद हमको ये भी बात पता चली कि एंटोनियो की शिप जो थी, जो गुम हो गई थी, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं दे पाया था, वो भी सेफ थी। एंड सो ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस्ट हिज मनी, और उसने अपने पैसों का भी नुकसान नहीं किया था। उसकी शिप मिल जाने से उसके पैसे भी वापस आ गए। दस द स्टोरी विच कुड हैव एंडेड इन अ ट्रेजिक मैनर एंडेड हैप्पीली, और इसकी जो है ये स्टोरी है ये इस तरीके से ट्रेजिक मैनर में ख़त्म होती है, और वेरी सैड हम बोलेंगे, लेकिन हैप्पीली। स्टोरी का एंड जो था वो ट्रेजिक मैनर था, लेकिन कैसी एंड हुई? हैप्पीली एंड हुई है। तो स्टूडेंट, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप आप इस वीडियो को 2 बार चलाकर देखिए, ताकि आपको ये चैप्टर काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।